सबसे पहले डूंगरपुर वासियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको ले चलेंगे डूंगरपुर टू मनाली। आप डूंगरपुर से मनाली किस तरह से यात्रा कर सकते हैं, वो भी कम खर्चे में। तो आज हम आपको लेकर जाएंगे डूंगरपुर बाय ट्रेन से उदयपुर, और उदयपुर से हम आपको लेकर जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली से ले जाएंगे मनाली, और मनाली में कौन कौन सी जगह घूमने की वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। डूंगरपुर से उदयपुर जाने वाली भी सवारी पैसेंजर यहाँ पर मौजूद है अपने बच्चों के साथ में, और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रेलवे काफ़ी भीड़ है, व्यवस्थाएं भी अच्छी है, कैंटीन की सुविधा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि ट्रेन आ चुकी है और पैसेंजर भी इंतज़ार कर रहे हैं, सर्द हवाओं में स्वेटर भी पहन रखे हैं। देखिए कि डूंगरपुर में ट्रेन आ चुकी है रेलवे स्टेशन पर, और उदयपुर जाने वाले पैसेंजर सभी यहाँ खड़े हुए हैं। ये हमारे मित्र भी साथ में चढ़ रहे हैं। अतुल जी आराम से सर। हम रेल के डिब्बे में बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि ठिठुरन है हल्की सी। हमारे मित्र भी बैठे हुए हैं। आपको सर्दी लग रही है? बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है। कड़ाके की ठंड पड़ गई है डूंगरपुर। डूंगरपुर में अगर इतनी सर्दी हो तो दिल्ली में क्या होगा आपका? वहाँ का मौसम और अलग है, वहाँ जाकर देखेंगे किस तरह से ठंड का जुगाड़ किया जाए। आपने अभी तक क्या जुगाड़ कर रखा है? अभी तो कुछ नहीं, जो पहनने के ओढ़ने का सामान है वो लिया है साथ में। अच्छा अच्छा, वहाँ जाकर देखेंगे। और आप भी डूंगरपुर से उदयपुर तक रेल का सफ़र ज़रूर करें, क्योंकि बहुत अच्छा और आनंददायी सफ़र है। ओके सर, आगे हम उदयपुर मिलते हैं अगले ब्लॉक। आखिरकार हम अब ये उदयपुर पहुँच चुके हैं, और समय हो रहा है 12:34, इसलिए करीब हमें 2.5 घंटे का समय डूंगरपुर से उदयपुर पहुँचने में लगा। अब देखते हैं उदयपुर का क्या सीन होता है आगे का। आखिरकार हम उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और अब हमारी जर्नी शुरू होगी उदयपुर टू दिल्ली। तो आपको दिखाएंगे कि उदयपुर में हम क्या करते हैं, कहां से हमारा रिजर्वेशन है, कौन सी ट्रेन है हमारे साथ में, कि हम किस ट्रेन में बैठ के दिल्ली तक पहुंचेंगे। और साथ ही हमारे दो मित्र भी हमारे साथ में हैं, दीपक और अतुल भी हमारे साथ में ही हैं। दीपक जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी उदयपुर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और आप उदयपुर से दिल्ली जाने वाले हैं, तो आपको सर्दी लग रही है? ठंड तो है थोड़ी बहुत सर्दी है। और अतुल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ठंड को मद्देनज़र रखते हुए हमने सब व्यवस्था कर रखी है, अब आगे का तो काम ट्रेन में जाने के बाद डिसाइड करेंगे। तो इनका कहना है कि सर्दी तो है ही है, लेकिन सर्दी के लिए पूरी व्यवस्था है ही है, लेकिन अब आगे जाकर देखते हैं कि क्या होता है। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है मनाली का, और हम उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और उदयपुर हमारी ट्रेन भी यहां पर है, चेतक एक्सप्रेस। और यहीं से ये ट्रेन अभी 5:05 पर यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होगी। और हम लोग सुबह करीब 5:05 पर हम दिल्ली उतर जाएंगे, और दिल्ली से बताएंगे कि आगे हमारा कैसे क्या सीन रहेगा, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, सारी चीज़ें हम वहीं आपको बताएंगे। एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी सीट कौन सी, हमारा रिजर्वेशन कहाँ है, वो भी आपको दिखा देते हैं। हमारे साथी अतुल सामने खड़े हुए हैं, और वो बस बैठने ही वाले हैं, और देखते हैं कि हमारा S3 कहाँ पर है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और देखते हैं कि कहाँ ले चलते हैं। अब चेक करेंगे कि हमारा स्लीपर कोच कहाँ पर है। फाइनली हमारा कंफर्मेशन हो चुका है ऊपर स्लीपर कोच का, 48, 43 एंड 46। और अतुल जी आखिरकार चेतक एक्सप्रेस में बैठ चुके हैं, और ऊपर अब दिल्ली के लिए यात्रा करेंगे। हैप्पी जर्नी अतुल जी। फाइनली हमारी उदयपुर से दिल्ली के लिए जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और चेतक एक्सप्रेस यहाँ से रवाना हो चुकी है। देखिएगा, उदयपुर रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हुए हमारी जर्नी डूंगरपुर से स्टार्ट हुई थी, उदयपुर डूंगरपुर से उदयपुर, और उदयपुर से दिल्ली।
अब देखेंगे कि रास्ते में कहाँ स्टॉपेज होते हैं और कहाँ के वीडियो हम आपको बना के दिखा पाएंगे। फाइनली हम लोग उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और उदयपुर से चेतक एक्सप्रेस 5 बजे रवाना हुई है, जो हमें सुबह 5 बजे दिल्ली उतारेगी। आप देख सकते हैं कि चेतक एक्सप्रेस साथ ही हम डूंगरपुर से उदयपुर और उदयपुर से मनाली और साथ ही हमारे दो फ्रेंड भी हमारे साथ में हैं, प्रीतेश और दीपक। और प्रीतेश और दीपक दोनों भी अभी चेतक एक्सप्रेस का आनंद ले रहे हैं। देखिए कि किस तरह से ये दीपक जी मानो ये प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। देखिएगा आप दीपक जी, प्लीज कैमरे के सामने देखिएगा कैसा लग रहा है सर आपको, कैसी लगी चेतक एक्सप्रेस, इसकी सुपरफास्ट स्पीड कैसी लगी आपको। और प्रीति भी हमारे साथ में है, महाराणा प्रताप सर्कल पर स्टेशन पर अभी हमारी ट्रेन रुकने वाली है और मैं आपको बाहर का भी नजारा दिखाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अभी चेतक एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं और नाइट का समय हो चुका है और अब हम खाना वाना खा के अब स्लीपर कोच में हमारे मर जगह पर सोए हुए हैं रात्रि विश्राम के लिए। आपको दिख ही रहा होगा कि हमारी बर्थ में सभी लोग सोए हुए हैं और मेरे साथी भी इसी तरह सोए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सोए हुए हैं। अभी हमने जस्ट खाना खाया है और आपको लग रहा होगा कि कैप पहन रखी है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इसी की वजह से ये कंबल वंबल ओढ़ रखी है और अभी सोए हुए हैं। और गाइस शुभ रात्रि, सुबह मिलते हैं हम दिल्ली में। ओके सर। और आखिर हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी भी है और कोहरा भी चारों तरफ दिख रहा है। ये मेरे साथी भी साथ में ही हैं और आपको दिखाते हम कि किस तरह की सर्दी और कितने पैसेंजर हैं और कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। आप देख ही सकते हैं, अगर आपको दिल्ली आना है तो आपको पूरी व्यवस्था के साथ आना होगा। यहाँ के स्टेशन के कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं। इसी ट्रेन से अभी हम लोग आए थे उदयपुर से दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामने ही सामने राष्ट्रपति भवन है और रोड के इस तरफ इंडिया गेट है। देख सकते हैं आप सामने ही सामने इंडिया गेट का नज़ारा और यहाँ की स्वच्छता भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की स्वच्छता दिख रही है आपको। अब हम आपको बता रहे हैं इंडिया गेट पे परेड। ये हमारे देश
अभी रिसेंटली हम लोग इंडिया गेट पहुँचे हैं और इंडिया गेट में कुछ फ़ोटो सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, आपको दिखाते हैं। इंडिया गेट, ये हमारा इंडिया गेट है। और इंडिया गेट में जैसे आप इंटर करते हैं तो आगे ही सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं और यहाँ पर एक विशाल सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी है। आप यहाँ पर भी अपने फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। देखिए किस तरह से टूरिस्ट लोग आते हैं और फ़ोटो और सेल्फी वगैरह लेते हैं यहाँ पर। ये आपको सुबह में 9 बजे ओपन होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ बहुत ही सुंदर मनमोहक नज़ारा है, देखने को मिलेगा आपको। देखिए कितनी विशाल काय प्रतिमा है सुभाष चंद्र बोस की, आपको दिखा देते हैं, अच्छे से आप देख सकते हैं। देखिए इतना सुंदर गार्डन देखिए आप यहाँ का। यहाँ पर आपको कहीं भी कचरा नहीं दिखाई देगा, यहाँ सफाई कर्मचारी 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। यहाँ के आप देखिएगा नीचे स्वच्छता नहीं, रोड देखिए, यहाँ के गार्डन देखिए, यहाँ का शांत वातावरण, मनमोहक नज़ारा है। इसलिए हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया। जय हिंद, भारत माता की जय। यह है लाल किला। अभी दिल्ली में कोहरे की वजह से साफ नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि सूर्यदेव भी धीरे धीरे ही दिख रहे हैं अभी आसमान में, क्योंकि काफ़ी ठंड भी है, धुंध भी है और काफ़ी लोग भी यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं लाल किले पर। देख सकते हैं आप, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। सामने ही हमारे सामने लाल किला है। अभी हमने टिकट लिए हैं और अभी लाल किले में अंदर एंट्री करेंगे। पर पर्सन 58 रुपीज़ यहाँ की टिकट है। यहाँ पर हमारे साथी भी फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, जिन्होंने चश्मे लगा लिए हैं और शायद मेरे को लग रहा है इनकी नाक भी लाल हो गई है सर्दी की वजह से। ये भी मज़े ले रहे हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं और सर्दी का आनंद ले रहे हैं ये, और यहाँ पर ये फ़ोटो खींच रहे हैं इनका। हमने अभी टिकट लेकर अभी लाल किले की एंट्री ली है और यहाँ से हम बताएंगे कि लाल किले में एंट्री लेने के बाद में अंदर आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। हमारे साथी भी हमारे साथ में ही हैं, अब दिखाएंगे आपको लाल किला कि अंदर से कैसा दिखता है। यहाँ पर दो तोप भी आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये एक तोप और एक किस तरफ है। और यहाँ से पहले गेट की एंट्री है। हम अब लाल किले में प्रवेश कर चुके हैं। ये है लाल किला। देखिए लाल किले का बहुत ही मनोरम दृश्य। हाँ हाँ हाँ, ये हमारी धरोहर है। और आपको बता दें कि शीतलहर में दिल्ली में घूमने का आनंद कुछ और ही होता है और काफ़ी लोग अपने फैमिली के साथ में इंजॉय करने के लिए आते हैं। जैसे ही आप लाल किले में एंट्री करेंगे तो अंदर बहुत बड़ा स्पेस मिलेगा और अंदर छोटी मोटी आपको दुकानें दिखाई देगी, जहाँ से आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ भी छोटी मोटी सामग्री खरीद सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए चश्मे हैं, चूड़ी वगैरह है। यहाँ पर आपको गर्म आइटम भी मिलेंगे, आपको मफलर वगैरह देख सकते हैं। छोटी छोटी दुकान बनी हुई है, लोग यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं।
ये देखिएगा कुछ आर्ट आइटम भी हैं यहाँ पर हाथ से बने हुए, बहुत ही प्यारे हैं। यहाँ पर आप कुछ भी आइटम ले सकते हैं, जैसे कि चूड़ी वगैरह, देखो कितनी प्यारी प्यारी चूड़ी है, देखिएगा। ये लाल किले के अंदर ही आपको दुकान मिलेगी और बहुत अच्छा अच्छा आइटम है, यहाँ से आप ले सकते हैं परिवार के लिए। लाल किले के अंदर आपको म्यूज़ियम मिलेगा और म्यूज़ियम में आपको सारी चीज़ें हिस्ट्री आपको दिखाई जाएगी और सभी फ़ोटो के नीचे हिस्ट्री भी लिखी हुई है, जिससे आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तलवार पड़ी हुई है, ये नाना साहेब पेशवा की तलवार है। मैं अब आपको बता दूं कि हम दिल्ली से महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल कश्मीरी गेट में आ गए हैं और यहाँ बस स्टॉप से अब हम 11 और 12 काउंटर पर जाएंगे और वहाँ से वोल्वो की टिकट बुक करवाएंगे मनाली के लिए। तो आप भी याद रखिएगा, दिल्ली आने के बाद में आपको बस स्टैंड आना है और वहाँ से 11 और 12 नंबर के काउंटर पर पहुँच कर आपको वोल्वो के लिए टिकट बुक करवाना है, वो भी मनाली के लिए। हेलो दोस्तों, एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि कभी भी आप ट्रैवल करें तो एक तो प्राइवेट बसों से बचें आप, क्योंकि प्राइवेट बसों में क्या हो गया, अधिकतर अभी दलाली का खेल ज़्यादा चल रहा होता है। आपको बताएं, अगर आपको सफ़र वोल्वो से करना है तो ये आपका वोल्वो का टिकट तो काटेंगे लेकिन आपके साथ में धोखाधड़ी हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको सिर्फ सरकारी परिवहन का ही साथ लेकर आपको यात्रा करनी है। अगर आप रोडवेज से यात्रा करेंगे तो आप 100% सुरक्षित हैं, इस बात का याद रखें, क्योंकि हम भी रोडवेज से ही यात्रा कर रहे हैं अपनी मनाली की और हमारे साथ में रोडवेज के ड्राइवर साहब भी हमारे साथ में हैं जो अपनी ड्राइव कर रहे हैं और हमको सुरक्षित हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे। साथ ही हमारे कंडक्टर साहब भी हैं और इनकी मुस्कुराहट देखिए कितनी अच्छी मुस्कुराहट है, तो हमारा दिल तो इन्होंने ही जीत लिया सर, धन्यवाद सर। ये देखिए दिल्ली की सड़कें, मेन हाईवे, नेशनल हाईवे है और ये बस हमें सुबह में करीब 7 बजे हमको मनाली उतारेगी। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको रोडवेज से ही सफ़र करना है, किसी भी प्राइवेट बस वाले या किसी भी दलाल का साथ नहीं देना है, याद रखें, नहीं तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। ऐसे हमारे साथ में प्रीतेश जी हैं, प्रीतेश जी आपका क्या कहना है? सबसे बढ़िया बेस्ट और सुविधा है हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम, उससे आप सफ़र करिए और उचले से आप बचे दलालों से। हमारे दिनेश जी, हमारे दीपक जी भी हैं साथ में और वो अभी मोबाइल में थोड़े मशगूल हैं, ये क्या है कि हमेशा GPS ट्राई करते रहते हैं। तो दीपक जी आपका क्या कहना है, आप आगे आगे बैठे हैं सर? मेरा तो यही कहना है, आप सफ़र करें तो रोडवेज से करें, बेस्ट सफ़र है आपका। तो सर सबका कहना यही है कि आपको रोडवेज से ही यात्रा करनी चाहिए ताकि आपका आप किसी धोखाधड़ी के शिकार नहीं होंगे और आप सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। अभी आप जो देख रहे हैं वह ओल्ड मनाली है, यहाँ पर आप देखिए आपकी दुकान सामग्री जो भी खरीदा जावा खरीद सकते हैं, ये ओल्ड सामग्री जो भी आप लेना चाहें ओल्ड मनाली में खरीद सकते हैं। अगर आप ओल्ड मनाली नहीं आते हैं और मनाली ऊपर घूम के जाते हैं तो आपका आना यहाँ पर व्यर्थ है।
क्योंकि यहाँ पर देखिए कि आप व्यास आपको रिवर फ्रंट भी मिलेगा आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर। This is old Manali. Old Manali pool. हम अब खड़े हैं ओल्ड मनाली और ओल्ड मनाली में आपको दिखा दें कि हमारे सामने गुजर रही है व्यास नदी और यहाँ ओल्ड मनाली में आप देख पाएंगे कि कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं। हम आपको दिखाएंगे ओल्ड मनाली में क्या क्या चीज़ें हैं और ओल्ड मनाली में आप किन किन चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। ओल्ड मनाली में जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्यास नदी पास में ही निकल रही है और यहाँ पर आप अगर हर्बल टच स्पा भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। देखिएगा आप सामने काफ़ी ज़्यादा पर्यटक स्थल पर्यटक मौजूद है यहाँ पर, यहाँ पर काफ़ी एंजॉय आपको मिलेगा। अब माल रोड की हमने शुरुआत की यहाँ से, अब हम आपको दिखाएंगे कि माल रोड में आप क्या क्या देख सकते हैं, किन चीज़ों का आप इंजॉय कर सकते हैं, क्या खाने की चीज़ें हैं, क्या पीने की चीज़ें हैं, यहाँ से आप क्या खरीदारी कर सकते हैं। और ये मनाली का माल रोड है और ये माल रोड आपको बता दें कि रात को ही शुरू होता है और यहाँ का जो मज़ा है माल रोड का रात को ही आपको दिखाएंगे माल रोड। ये देखिए आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको दिखाएंगे बहुत करीब से माल रोड। हम आपको माल रोड का नज़ारा दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कितनी भारी तादाद में पर्यटक यहाँ पर है। हाय दोस्तों, आज हम आपको मनाली माल रोड लेकर आए हैं। आपने सुना ही होगा कि जीवन में क्या आना है और क्या लेकर जाना है। जीवन में आनंद लीजिए सर, माल रोड का नज़ारा देखिए आप, यहाँ देखिए यहाँ का माल रोड का नज़ारा। अभी हम खड़े हैं माल रोड और माल रोड में आप देख रहे हैं कि आज कितनी भारी पर्यटक यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए यहाँ का नज़ारा, देखिए हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको पूरा नज़ारा, देखिए कितनी पब्लिक है यहाँ पर और सब अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर आते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और यहाँ पर आप जीवन के कुछ ऐसे पल जिएंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आप हिंदुस्तान में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप नहीं पहुँचे हैं, पहले एक बार पूरे हिंदुस्तान का लुक लीजिए क्योंकि बाहर विदेशों से अच्छी जगह हिंदुस्तान में आपको मिलेगी। अभी हम मनाली खड़े हैं, मनाली का आपको दिखाएंगे नज़ारा, देखिए मनाली क्या हमारा मनाली बैंकॉक सिंगापुर से कम है। अगर आप एक बार मनाली आएंगे तो बैंकॉक जाना भूल जाएंगे। आइए यहाँ के व्यंजन देखिए, देखा था आपको यहाँ के व्यंजन, आइए सर
में ड्राई फ्रूट की स्टफिंग है नहीं स्पाइसी है, देखिए ट्राई करके देखिए। नई पीनट वॉलनट टोस्ट दाना आटे से बना है। आप यहाँ पर पान का मजा भी ले सकते हैं, देखिए किस तरह के मीठे पान है यहाँ पर, और बहुत प्रसिद्ध पान है यहाँ पर, लोग इस पान का लुत्फ बहुत ज़्यादा उठाते हैं। कितने का भैया पान है? 20 रुपए का एक है। देखिए बहुत स्वादिष्ट पान है यहाँ का, मनाली का, माल रोड पर आपको मिल जाएगा ये अगर आप खाना चाहें तो। अभी लास्ट ही हम मनाली ऊपर स्नो पार्क में आ चुके हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। देखिए आप यहाँ का मज़ा देखिए आप। आज मौसम ख़राब होने की वजह से अटल टनल भी बंद है। Thank you.
कैसे सर? तू डका दे बे। हाँ डॉक्टर के कान भी अम्मी जी ने झुकूं। ठीक है। चलो रुको एक मिनट यार, अभी हम आपको यहाँ पर सोलो वैली का दृश्य दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से पूरी सोलो वैली में बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए आप, ये देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए आप यहाँ का नजारा, ये वाओ सो स्वीट। ये लफड़ी बस गाना सेट करना, इसमें आवाज आ रही है। बस गुड, अरे दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया ने हमको दिया क्या। आई लव यू मेरी जान, है ना, आई लव यू टू मेरी जान। ये एक और बना दे। पागल हो गया ये, आज भी पागल हो गया। मुझे जंगल कहे मेरी जान, तुझे जाने ना दूंगा। मार 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 कुजे में बर्फ भरा गई। आओ भैया, भाई खड़े खड़े ड्रेस कोड चलो। वास्तव में यार ड्रेस कोड ही नहीं है। पड़ोगा
आठसड़ी जगह कहाँ जाऊँगी जातो रहे हम इसे कोई बर्फ गंदी करना की असल बर्फ थी तो जा तू लिया बस बर्फ लेना ये अपने वाले कपड़े काम की नहीं चले आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के जन्नत मनाली, और मनाली में आप देखिए कि स्वर्ग यहाँ जीते जी मिलता है। आप देखिए मरने के बाद में कोई स्वर्ग और नरक नहीं होता है। यहाँ देखिए हिंदुस्तान में, अगर आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो आपको सैल्यूट है। ये देखिए, आपको कहीं विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप यहाँ की बर्फबारी, यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ पर पर्यटक लोग देखिए अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर इंजॉय करते हैं। ये हिंदुस्तान, इसलिए हिंदुस्तान पर जन्म लिया है तो गर्व कीजिए अपने आप पर। हिंदुस्तान, ये देखिए, आई लव इंडिया, बोलिए गर्व से आई लव इंडिया। कुछ नहीं रखा है पटाया में, जो रखा है वो हिंदुस्तान में रखा है। जब तक आपने हिंदुस्तान नहीं घुमाया तो आप बैंकॉक थाईलैंड जाकर क्या करेंगे सर? आप पहले हिंदुस्तान तो अच्छी तरह से घूमिए। ये देखिए हिंदुस्तान का नज़ारा, ये देखिए जन्नत देगा हिंदुस्तान आपको पहले, बाद में जाइए आप, पहले हिंदुस्तान घूमिए। ये देखिए हिंदुस्तान, ऐसी दिख रही कि लंडा हूँ मजू कर। गुलमटी खाई जा अभी मम्मी का टॉपी सा पहुंच ले आप देख रहे हैं मनाली हिंदुस्तान का स्वर्ग, और हम दुर्गापुर से। आप देख रहे हैं मनाली का सोलांग वैली, यहाँ पर चारों तरफ बर्फबारी ज्यादा है, और यहाँ पर बर्फ से गिरे हुए पहाड़ है, और पर्यटक भी देख रहे हैं हमारे सामने। आप देखिए भाई तादाद में यहाँ पर पर्यटक भी हैं, और चारों तरफ ही आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगा, और बर्फों का आनंद हम ले रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर, आपको जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी ज्यादा लगेगी नहीं, आप एक कोट में आ सकते हैं यहाँ पर, इतना याद रखिएगा। देखिए हमारे सामने पर्यटक है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर कोट लेने की आवश्यकता भी नहीं है, आप अपने पहने हुए कोट में आ सकते हैं। यहाँ देखिए वहाँ पर कुछ फैमिली भी हमारे साथ में है, बनी हुई है कुछ फैमिली भी है, बिल्कुल कुछ फैमिली भी है, और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं। देखिए बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ का, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। आप जरा भी संकोच ना करें कि यहाँ पर कितनी सर्दी है क्या है, लेकिन यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कोट काफी है, क्योंकि इतनी सर्दी आपको नहीं लगेगी बर्फ में, आप तो सिर्फ बर्फ का आनंद लें और इंजॉय लें। आगे ले। स्लोप ना यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट मोबाइल से मारा है कुछ।
नहीं मतलब बिन तेरे ना मेरा किसे भी है सितारा, किसे भी है चलो 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 बैठना यहाँ बैठना फोटो राइड यहाँ बैठ के देख लो फोटो खींच में राइड करते हाँ सर जी कैप लगा के चश्मा लगा के अरे यार 50 के दो कर दो दो कर दो से 50 के है ना दो मिनट अरे मिसे कुडू है टूट टूट रहे लाइन से टूट रहे आप सब देख रहे हैं चंडीगढ़ बस स्टैंड। अभी यहाँ पर बहुत सारी धुंध जमी हुई है और ड्राइवर को भी अभी गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं अभी चंडीगढ़ बस स्टैंड पर खड़े हुए हम लोग, यहाँ धुंध देखिए आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप गाड़ी से यात्रा भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलानी होगी क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसे में आप यात्रा करने से बचें, मैं यही सजेस्ट करूंगा। धन्यवाद। चंडीगढ़ गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल। अभी हम रात का सफर तय करके मनाली से अमृतसर पहुंचे हैं और अमृतसर अभी हम जिस परिसर में खड़े हैं वो एक बहुत ही पवित्र स्थल है जिसका नाम आप सब पल्लीभूति जानते हैं, अमृतसर गोल्डन टेंपल। आज हम उसी परिसर में खड़े हुए हैं। मेरे मित्र प्रीतेश भी हमारे साथ में है और दीपक भी हमारे साथ में है और हमने यहाँ उतरने से पहले यहाँ पर होटल में रूम लिया था। रूम लेने के बाद में हमको मात्र 600 में हमको यहाँ रूम मिल गया था, ज़्यादा तकलीफ हमको नहीं हुई और हम वहाँ से नहा धोकर फ्रेश होकर अभी हम इस पवित्र स्थल पर आ गए हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं एक विशाल प्रतिमा भी दिख रही है आपको जिसकी प्यारी कितनी खूबसूरत है और यहाँ का पूरा नज़ारा ही बिल्कुल खूबसूरत है। और हम अब आपको अंदर गोल्डन टेम्पल भी ले चलेंगे और दिखाएंगे अंदर का एक पवित्र नज़ारा। धन्यवाद। जिस परिसर में हम खड़े हैं वो बहुत ही पवित्र परिसर है और अभी हम आपको अंदर गोल्डन टेम्पल भी ले जाएंगे और अंदर भी आपको हम गुरुद्वारा के दर्शन करवाएंगे। Thank you.
निवेदन है कृपया अपने स्थान पे बैठ जाए। शादी दर्शक अपने कीमती सामान मोबाइल पास बच्चे एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। आप सभी दर्शकों से निवेदन है सफाई एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पानी की खाली बोतल प्लास्टिक इत्यादि को प्रयोग करने के उपरांत कूड़ेदान में ही डालें, कूड़ेदान का ही प्रयोग करें।
ज्यादा बता रहा हूँ आप यार। साइड हेलो ब्रदर। मैं गिरूंगा तो नहीं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। हाँ यहाँ कर लो आप कुछ। कीड़े ना कीड़ जाता है। आगे आगे चलो जाले बैठो चाय कॉफी लस्सी। पकौड़े एक ला।